पूरी करो, हमारी मांग है पूरी करो। शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, शिक्षा मंत्री मुर्दाबाद, हमारी मांग है पूरी करो। छतरपुर जिले के लवकुश नगर शासकीय महाविद्यालय में छात्रों और नगर के युवाओं के द्वारा उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका गया है, जमकर नारेबाजी की गई है नाराज छात्रों के द्वारा। दरअसल महाविद्यालय में बीएससी और एमए की कक्षाओं के नियमितीकरण और नवीन कोर्स बीकॉम और एमएससी को आरंभ करने की मांग बरसों से चली आ रही थी। कई बार छात्रों के द्वारा ज्ञापन सौंपा गया, वहीं क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा के द्वारा भी इस मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री से पत्राचार किया गया था, लेकिन अब तक कोई सार्थक कदम इस ओर नहीं उठाया गया। सांसद के द्वारा दो पत्र जारी किए गए थे। लवकुश नगर महाविद्यालय में कोर्स नियमितीकरण और नवीन कोर्स आरंभ करने की बात कही गई थी, लेकिन 3 वर्ष बाद भी जब ये मांगें पूरी नहीं हुई, नवीन सत्र प्रारंभ होना है कुछ दिनों बाद, तो अब छात्रों का गुस्सा उतर आया और उन्होंने महाविद्यालय परिसर में उच्च शिक्षा मंत्री का पुतला फूंका है। साथ ही यह चेतावनी भी दी है कि जल्द अगर उनकी मांग पूरी नहीं हुई तो उग्र आंदोलन छात्रों के द्वारा किया जाएगा। आज जो शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर के छात्र, नगर के युवा ने जो उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव मध्य प्रदेश का पुतला दहन किया, इसका मुख्य कारण ये है कि जब 2020 में हमारे क्षेत्रीय सांसद बीडी शर्मा जी ने एक पत्र लिखा था कि शासकीय महाविद्यालय लवकुश नगर में बीएससी और एमए की कक्षाएं नियमित करें और एमएससी और बीकॉम नवीन कक्षाओं का प्रारंभ करें, उसके उस संबंध में उन्होंने जवाब दिया था कि इस संज्ञान पत्र को लेकर मैं इस पर जल्द कार्रवाई करने का आदेश करता हूं। लेकिन 3 साल बीत जाने के बाद हमारे क्षेत्रीय सांसद जी ने दोबारा एक पत्र लिखा, फिर भी उन्होंने कोई संज्ञान नहीं लिया। ये हमारे क्षेत्रीय सांसद जी का अपमान है। इसी तहत हम लोगों ने आज उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव का पुतला दहन किया है और ये प्रारंभिक स्थिति है। अगर हमारे सांसद जी की जो छात्रों की मांगें उन्होंने पत्र के द्वारा की हैं, यदि मांगें पूरी नहीं होती हैं तो उनकी चिता जलाई जाए और नवीन सत्र की कक्षाओं का संचालन में जाएगा और जो नवीन भवन बना है उसमें समस्त युवा और छात्र शक्ति ताला डाल देगी और कोई भी नवीन भवन प्रारंभ नहीं होगा।